आपके लिए लास्ट में गिव अवे है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। एंड एक ही चीज बोलना चाहूंगा यार, आपको सब्सक्राइब करने में बस एक सेकंड का वक्त लगेगा। 60% लोग ऐसे जो वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सीरीज में बहुत मेहनत है भाई, समझो एंड सब्सक्राइब करो यार। अरे अंकिता, क्या हुआ अंकिता? अरे एक सेकंड, पीछे थी, कहां गई वो? पीछे से कहां गई वो? पीछे थी अभी तुरंत हमारे। अरे इधर ही कहीं गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सीडेंट देख लेते हैं ना इधर ही कहीं। ये क्या था? कहीं अंकिता सच तो नहीं बोल रही थी ना राहुल और सौरभ? एक काम करते हैं, यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, वरना शायद हमारे लिए भी दिक्कत हो सकती है। और अंकिता, अंकिता का क्या यार? अंकिता मेरी दोस्त है, हम ऐसे उसे थोड़ी खो सकते हैं, कल उसे आके ढूंढेंगे। चलो अभी जल्दी से यहाँ से। राहुल भाई और सौरभ भाई, हमें कैसे भी करके अंकिता को बचाना ही होगा, उस चुड़ैल ने उसे पकड़ रखा है। लेकिन वीर भाई, इसके लिए हम करेंगे क्या? कुछ आइडिया है तुम्हारे पास? राहुल भाई, अब प्लान का नहीं, एक लास्ट ऑप्शन चूज करने की बारी है, तुम लोग दोनों मेरे साथ आओ। ऐसा क्या प्लान कर लिया तूने वीर? भाई अब लास्ट एक ही ऑप्शन है, कोई बाबा ही हमें बचा सकते हैं, तुम लोग मेरे साथ आओ। बोलो हरे राम हरे कृष्णा, ये दुनिया बड़ी अनोखी है। बाबा मेरा नाम है वीर और आज मुझे आपकी जरूरत है, वैसे तो मैंने आपके बहुत कारनामे सुने हैं। अच्छा बेटा, बताओ किस चीज में तुम्हें मदद चाहिए? बाबा हुआ ऐसा है कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम नए नए आए थे इस शहर में, यहाँ पे सामने एक जो होटल है उसको खरीदा था। हमारे साथ हमारी एक दोस्त थी, लेकिन मुझे पता नहीं था उस होटल में एक आत्मा का वश है और उस आत्मा ने मेरी दोस्त को पकड़ लिया है। बोलो हरे राम हरे कृष्णा, कुछ नहीं होगा तुम्हारी दोस्त को, मुझे लेके चलो। अच्छा तो ये होटल है, आओ मेरे पीछे पीछे, जरा हम भी तो देखें किसका साया है यहाँ। अगर कोई भी यहाँ पे है तो अपने होने का संदेशा दो। इधर से दौड़ने की आवाज आई, जल्दी से मेरे साथ आओ। कौन है? अपना शकल दिखाओ। अभी राइट से दौड़ने की आवाज आई, कौन है? अपना शकल दिखाओ, छुप क्या रहे हो? तुम बुजदिल हो, सिर्फ पैरों की आवाज आ रही है तुम्हारी और कुछ नहीं। मैं बुजदिल नहीं हूँ। तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे डरने से डरा दूँ? डर जाऊंगा? रुको अभी बताता हूँ। अरे ये लोग बहुत खतरनाक है, बच के रहना। तुम लोग तीनों सट जाओ, एक साथ हो जाओ, तब मैं अपनी शक्तियों का कमाल दिखाता हूँ। अच्छा, तेरी शक्ति? जल्दी कहा अपनी शक्ति का कमाल, इंतजार कर रही हूँ तेरा, दिखाना दिखाना। ज्यादा घमंड मत कर बुरी आत्मा, तेरा ये घमंड मैं कुछ ही मिनटों में तोड़ने वाला हूँ, तू बस देखती जा। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, अक्सर आत्मा डराने की कोशिश करती है, ये देखो। ओम पुड़ुक 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 स्वाहा। बाबा जी किसी भी तरह से उस आत्मा को पकड़ लो और हमारी दोस्त को बचा दो बाबा जी, वो बड़ी खतरनाक आत्मा है। बेटा तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसको पकड़ने के लिए। ओम अदृश्य दृश्य भवंति स्वाहा। अच्छा मुझे बुलाया जा रहा है क्या? पूछो क्या पूछना है? आपका स्वागत है, हमारी भूल चूक हमें माफ करे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, ना ही आपको हम कोई नुकसान पहुंचाने आए हैं, बस हमारी दोस्त अंकिता को वापस कर दीजिए। अच्छा तुम्हें वापस चाहिए? वो नहीं मिलेगी, जाओ जो करना है कर लो, और यहाँ से तुम भी नहीं जा पाओगे, तुम सब मरोगे। एक चीज दिखाती हूँ, यही अंकिता चाहिए क्या? मुझे वीर प्लीज बचा लो वीर। बुरी आत्मा छोड़ दे उसे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है, जाने दे। तुम लोगों की क्या गलती है पता नहीं, बैठूंगी तो यहाँ रात बीत जाएगा, और चिंता मत करो इसे छोड़ देती हूँ। ये क्या किया तूने बुरी आत्मा, ये तूने बहुत गलत किया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अंकिता तुम्हें बचा के रहूंगा, मैं आ रहा हूँ अंकिता। रुक जाओ वीर, ये गलती मत करो।
ये गलती हो या कुछ भी हो, मुझे मेरे दोस्त की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं चला अपने दोस्त की जान बचाने। मुझे अपने दोस्तों के पास जल्दी से जाना होगा, कहीं वो आत्मा उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। तुम लोग ठीक तो हो ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनो वीर। वो बहुत खतरनाक खतरनाक आवाज निकाल रहे हो वीर, हमें यहाँ से चलना चाहिए वीर। हाँ सब मेरे पीछे आओ, अगर हम अभी नहीं गए ना शायद हमारी मौत हो जाएगी। डरो मत, जंप करो, आ जाओ दोस्तों। बिल्कुल भी नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आत्मा हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकती चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। इसके साथ बहुत बुरा हुआ है कुछ ना कुछ। हाँ, और ये हम सबको इतनी आसानी से जाने भी नहीं देगी, देख लेना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस आत्मा के साथ क्या हुआ जो इतना खूंखार बन गई। ऊपर से हमारी दोस्त अंकिता को विस्तार मार ही दिया है, अब हम क्या करेंगे? ये किस क्या हुआ यार, बहुत अजीब घटनाएं हो रही है हमारे साथ। तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं बाबा जी, हमें चोट नहीं आई। राहुल और सौरभ तुम लोग ठीक हो ना? हाँ हम लोग ठीक है बड़े भाई। बाबा जी आप ही बताइए कैसे बचेंगे हम? उसने कहा है जहाँ जहाँ जाऊंगा वहाँ वहाँ वो चली आएगी, पहले उसे खत्म करना होगा बाबा जी। तुम चिंता मत करो, मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं अपने गुरु पंडित विश्वकर्मा को लेके आता हूँ, तब तक के लिए तुम लोग यही कहीं आस पास छुप के रह लो आज के लिए। बाबा जी पहले यहाँ से हटके हम उस कोने पे चलते हैं, वहीं पे हम रह लेंगे। बाबा जी आप उनको लेकर यहीं पे आना, ठीक है? अभी के लिए मैं चलता हूँ, राधे राधे। यहाँ लेकिन हम लोग रात कैसे बिताएंगे? एक काम करें क्या, ऊपर जाके आराम कर ले रात के लिए आज। वीर ऊपर रहना खतरनाक हो सकता है वीर। हम होटल के नीचे रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? चल सकते हैं क्या? यहाँ तो सो भी नहीं पाएंगे हम। हाँ एक काम करते हैं, होटल के नीचे सोने चलते हैं। चल वीर चल, आज की तो बात है कल हमारे पंडित विश्वकर्मा जी यहाँ ही जाएंगे। अरे ये क्या, वहाँ पे कौन है? कौन है? सामने आओ वीर। वीर उठ वीर, देखना सामने कोई है। वीर उठना। कहाँ है भाई, कौन गए यार? कहीं तो कोई नजर नहीं आ रहा, फालतू में इतनी रात को नींद तोड़वाता है यार। कहाँ है कोई, बता तो मुझे। नहीं वीर, वही चुड़ैल थी, मैंने देखा है, वो हुलक रही थी और हंस रही थी। अगर कोई सामने है तो आओ ना, डरता क्यों है? ये क्या, ये गायब हो गई। किधर गई वो, किधर गई? बाप रे बाप, मुझे डर लग रहा है उससे। राहुल चल यहाँ से चलते हैं यार। मैं नहीं रह सकता यहाँ, भाग राहुल भाग, भाग सौरभ, मुझे डर लग रहा है सौरभ, भाग इधर से सौरभ। वीर वो पीछे नहीं आ रही है, लेकिन भाग जल्दी वीर, जल्दी इधर से निकलो, हम नहीं रह सकते, भागने की कोशिश करो। कहाँ भाग जा रहे हो, क्या हुआ? बड़ा तरह नीचे रहने, तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम ऊपर तक आए हैं। नहीं पता यार, वो आत्मा बड़ी खतरनाक है, उसने मेरा माइंड चेंज कर दिया। हम ऊपर आए तो ऊपर फिर से वो हमें डरा रही थी। कोई बात नहीं, अब नहीं डरा पाएगी क्योंकि आ चुके हमारे पंडित विश्वकर्मा जी। पंडित जी कैसे भी करके उस आत्मा से पीछे छुड़ा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए, जितने पैसे लेने हैं ले लेना पंडित जी। अवश्य, तुम चिंता ना करो पालक, हम देख लेंगे, आओ हमारे पीछे, यही होटल है ना? जी हाँ पंडित जी, उस आत्मा को सबक सिखाओ पंडित जी, चलो मेरे साथ। सुनो एक बार बताऊं, बहुत गंदी साया है यहाँ पे, पैर रखते के साथ पता चल गया मुझे, बच के रहना, वो आत्मा बहुत खतरनाक है। पंडित जी जो भी करना है जल्दी करो पंडित जी, डर लग रहा है मुझे। आत्मा दो प्रकार के होते हैं बेटे, एक अच्छा और एक बुरा, और ये बुरी है, जरूर इसके साथ कुछ घटना हुआ होगा, इसको पकड़ के पूछना पड़ेगा, इसकी बातों को समझना पड़ेगा। पंडित जी आप जो कर सकते हैं करिए, लेकिन प्लीज इससे पीछा छुड़ा दीजिए पंडित जी प्लीज। त्रिकोण व्रिगोन कवच अस्ते। आप देखो बेटा आत्मा कैसे आती है, तुरंत उससे पूछेंगे क्या हुआ है, कैसे इतनी बुरी बन गई वो। हाँ पंडित जी पकड़िए उसे और पता करिए ये सब क्यों हो रहा है, पंडित जी पता करिए। दृश्य दृश्य वंत्र वन, आजा आजा, आ आ बुरी आत्मा आजा, आना। बोलो क्यों बुलाया है मुझे? मेरी बात ध्यान से सुन दोस्त आत्मा,
हम तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हम चाहते हैं तू भी हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए। भाई बहुत डर लग रहा है यार इसको देख के। तो अपनी कहानी बताओ, क्या हुआ था ऐसा जो तुम इनके पीछे पड़ गई? मेरी कहानी जाननी है तो सुनो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ था आत्मा, लेकिन तुम ये भी तो समझो कि इन्होंने कुछ नहीं किया था, इनकी कोई गलती नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, सबके सब मरोगे। इस बुढ़िया के साथ साला अच्छा हुआ, भूखे तड़पा के मार दिया गया इसको और इसके बेटा को, ये इसी लायक है। अरे इस पागल ने क्या बोल दिया, अब देख इसके साथ बहुत बुरा होगा। तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, समझ में आया? भाई अगर जिंदा बचना है तो यहाँ से भाग, वरना हम सबके सब मरेंगे। जल्दी आओ मेरे साथ। ये क्या हुआ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम लोग कुछ देख सकते हो क्या? रुको रुको रुको, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं प्लीज उनको कुछ मत करो प्लीज। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? तुमसे डर नहीं लगता अब मुझे, क्योंकि मरना तो अब मुझे भी है, मुझे ये चीज पता है। जो भी आएगा मरेगा। कोई बात नहीं, मेरे दोस्त मर रहे हैं, मैं भी मर ही जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो गाइस पूरी बात सुनना क्योंकि गिव अवे भी है। अगर गाइस आपको वीडियो लगा अच्छा तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत करता हूँ। इस सीरीज का यही था एंड नेक्स्ट सीरीज कौन सी चाहिए कमेंट करके जल्दी से बताओ गाइस। तो गाइस अब से हर वीडियो पे हम लोग गिव अवे करेंगे एक एक वीकली मेंबरशिप का। तो मेंबरशिप के लिए आपको एक लाइक करना है, कमेंट करना है एंड व्हाट्सएप पे दो तीन ग्रुप में शेयर करना है एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड गाइस वहीं से हम रैंडम पिक करेंगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूरी है। गाइस मेरा बर्थडे भी आ रहा है 8 जनवरी को, तो आप सबसे एक छोटा सा विश मांगूंगा कि बस इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो यार प्लीज, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आज देखते हैं कितने लोग मेरे से प्यार करते हैं।